सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स वंस अगेन गाइस। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का होगा क्योंकि एक तो लॉकडाउन है गाइस, कहीं बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो मेरे पास कुछ पुराने वीडियोस हैं जो मैं बहुत पहले राइट करता था। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि चैनल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, पर मैं राइड करीबन 10 साल से कर रहा हूँ। सो एक सच पास की एक राइड है 2014 की, तो उसके मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था। तो वीडियोज़ मेरे को लगा कि सारे इकट्ठे करके जो जो सब हैं वीडियोज़ काफ़ी हैं कि जिससे मैं एक अच्छी स्टोरी बना सकूँ, क्योंकि ये जो ट्रिप था इसमें काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने काफ़ी चीज़ सीखी इसमें, कुछ नई चीज़ें भी हुई। सो इसलिए मेरे को लगा कि ये वाली जो राइड है इसका एक वीडियो बनाता हूँ। सो दिन है 1 अक्टूबर 2014। हाँ सो ये करीबन 6 साल पुरानी बात है। और सबसे खास बात क्या हुई इस ट्रिप पे कि स्टार्ट होने से पहले ही एक दिन पहले, मतलब 30 सितंबर 2014 को मेरा हो गया एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट हो गया, मैं अपने ऑफिस जा रहा था सुबह सुबह और बस के साइड में एकदम टकरा गया, एक ओवरटेक कुछ तो हुआ और मैं गिर गया। बस के टायर के नीचे आते आते बच गया। और जैसे ही मैं गिरा ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि भाई कल मेरा ट्रिप है, बाइक कुछ टूट तो नहीं गई, मेरे को तो नहीं लग गई, ट्रिप कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये है, ऐसे जैसे मैं खड़ा हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, मैं अपनी बाइक देख रहा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ और ना मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बस बाइक देख रहा हूँ। हैंडल ठीक, तो हैंडल थोड़ा सा मुड़ गया था, मैंने कहा और तो चीज़ नहीं है। बाइक स्टार्ट करके देखी तो एकदम से स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि वो उसमें सेंसर था, क्योंकि वो गिर गई थी। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरे घुटने उठने छिल गए हैं, हाथ भी थोड़ा सा छिल गया है। और फिर बस सब इतना इंस्टेंटली हुआ ना, पर मैं अभी तक क्लियरली मेरे को याद है कि जब वो हुआ था एक्सीडेंट। सो मैंने सबसे पहले अपने आप बाइक को देखा, क्योंकि वो जो होता है कि यार ट्रिप ना कैंसिल हो जाए, ये सब कुछ मैं गलती से, मेरी गलती से, किसी भी गलती से। सो मैं फटाफट वहाँ से निकला और सीधे गया हीरो होंडा के शोरूम पे। सुबह मैं ऑफिस जा रहा था, दोपहर तक वहाँ पहुँच गया। मैंने उसको बोला अपने बंदे को, भाई ये ऐसे ऐसे हो गया है, बता ये ठीक हो जाएगी शाम तक। उसने बोला हाँ भैया ये ठीक हो जाएगी। मैंने उसको दी, उसके बाद मैं अपने घर आया। घर आके फिर बताया घर वालों को, वाइफ को, कि भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया ये वो। तो घर वाले एकदम टेंशन में आ गए, घुटना उठना छिल गया था, थोड़ा खून निकल रहा था और कोहनी में भी लगी थी यहाँ पे। सो मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया, देखो भाई मैं ट्रिप तो जाऊँगा, देखो भाई मैं फिर ट्रिप तो जाऊँगा, चोट लगी पर मैं ट्रिप तो जाऊँगा। फिर घर वालों ने थोड़ा बोला, पर यार वो था ना कि बस जाना है तो जाना है। फिर मैं हॉस्पिटल गया, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, पट्टी वट्टी लगाई। ये फोटो है, अभी मेरे को मिली ढूंढ के, मैंने निकाली थी ये फोटो उस टाइम की जब मेरे घुटने पर वो पूरी पट्टी वट्टी बंधी हुई थी। सो एनीवे ये स्टार्ट थी पूरे ट्रिप की। और बस मेरे को लगा कि यही काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ट्रिप से जस्ट पहले एक्सीडेंट हो जाए ना और फिर ट्रिप पे जाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, घर वालों को भी समझाना, अपने आप को भी समझाना। और कहीं ये भी लग रहा था मेरे साथ, जो मेरा फ्रेंड जा रहा था विनी, मेरी वजह से उसका ट्रिप भी कैंसिल ना, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पर समहाउ एवरीथिंग वॉज फाइन और हम अगले दिन के लिए रात को सो गए कि अगले दिन सुबह उठेंगे और हमें सुबह मिलना था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे मेरा फ्रेंड विनी आ गया था, वहाँ पे हमने अपनी बाइक वाइक फुली लोडेड थी। पर हमारा प्लान था पूरा कैंपिंग वैम्पिंग करने का, खाने पीने का सामान वामान सब रख लिया था हमने। और हम कश्मीरी गेट के आगे मिले, वहाँ पे अपना हाई हेलो हुई। यहाँ की मेरे पास वीडियो नहीं है तो ये कुछ फोटोज़ हैं मेरी जो आप देख सकते हो, जो हम वहाँ पे मिले थे। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे करनाल की तरफ। फिर वही बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, थोड़ी दूरी निकले होंगे हम बॉर्डर से बाहर की तरफ, करनाल की तरफ, और पंचर। पंचर के बाद हमने लगवाया, चलो ठीक है पंचर हो गया। और फिर मतलब पंचर ये था कि वैसे तो उसका ट्यूबलेस टायर था, उसने नया टायर लगवाया था, पर उसने किसी से तो सेकंड हैंड, शॉर्ट ऑफ नया टायर ही था, सेकंड हैंड खरीद लिया था। और ट्यूबलेस था पर हवा तेजी से निकल रही थी तो कम हो गई, तो हमने देखा तो पंचर था। ठीक है लगवा लिया, कोई बात नहीं। थोड़ी दूर गए फिर पंचर, फिर थोड़ी दूर गए फिर पंचर। सो कम से कम ऐसे करते करते 4 या 5 पंचर लग गए। और फिर हमने रियलाइज किया कि भाई तेरे को किसी ने उल्लू बना दिया ये टायर, और टायर में ना छोटे छोटे छेद थे और वो फेविक्विक से भर दिए गए थे। सो एनीवे ये कुछ वीडियोज हैं उस टाइम के जब हम परेशान हो रहे थे, ऑडियो कुछ क्लियर नहीं है, आपस में कुछ तो बात कर रहे थे इन एवरीथिंग, और ये सब पंचर वंचर लगा रहे हैं वो सब। व्हाट टू से मैन, लूजिंग टाइम, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। Hopefully we'll cut short our breakfast and lunch and we'll try to make up that time which we are losing right now. And Falcon Riders all the way, man. Falcon Riders. फिर हमने पंचर लगवा लिए और फिर हम वहाँ से हमें फाइनली ट्यूब डलवानी पड़ी उसमें, क्योंकि पर ट्यूब लकीली विनी लेके चल रहा था तो ट्यूब डल गई। उसके बाद से वहाँ से निकले, काफ़ी हमारे घंटे वेस्ट हो गए। फिर रास्ते में हम काफ़ी हमने किलोमीटर्स कवर किए, अनदर करीबन 100 आई थिंक। हम आपस में कुछ तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप खुद ही देख लो क्या बात कर रहे हैं। It was a bad start, but we made it up. Oh yeah, so it was 3 hours, 150 kilometers in 4 hours. We started at 6:30. Yeah. Okay, and next 300 kilometers in 4 hours. So first 150 in 4 hours, and then 300 in 4 hours. In 4 hours. Yeah, baby. That's how we catch.
ओके, वी आर टेकिंग जस्ट अ स्मॉल ब्रेक हियर जस्ट बिफोर जालंधर। तो जैसे कि आपको बताया, मैंने पूरा कैंपिंग वैम्पिंग करने का पूरा प्लान था, खाने पीने का सामान ले गए थे, पर हमारे पास स्टोव नहीं था, मिट्टी का तेल हमने रख लिया था। तो वो मिट्टी के तेल वाला जो स्टोव होता है वो हमने कहा था कि हम रास्ते में कहीं खरीद लेंगे, हमने सोचा था। सो वहीं पे कहीं जलंधर के आसपास से आगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ पे, एक मार्केट आया था, वहाँ पे हमने स्टोव खरीदा वो, और स्टोव हमें मिल गया था वहाँ पे, और रेडबुल पी हमने, थोड़ा सा अपनी एनर्जी गेन करी वापस, बहुत गर्मी थी। और बस वहाँ से फिर निकल पड़े हम आगे की तरफ। सो वहाँ से निकलने के बाद फिर फाइनली अपना स्पीड पकड़ी हमने थोड़ी सी, बीच में छोटे मोटे स्टॉप्स लिए, ज़्यादा लंबे स्टॉप्स नहीं लिए क्योंकि हमारा सुबह काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। और करते 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 हम पहुँच गए चंबा, 620 किलोमीटर्स। और एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि आज ये पूरे दिन क्या था कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो मैंने जो अपने लेग गार्ड्स पहन रखे थे वो मैं राइट साइड का लेग गार्ड नहीं पहन रखा था जिस पैर में मेरी चोट लगी थी, क्योंकि जब मैंने सुबह स्टार्टिंग में सुबह सुबह पहनने देखा तो वो दर्द हो रहा था। मेरे को पता था कि रास्ते भर जब मेरे घुटना ऊपर नीचे बेंड होगा चलूंगा मैं, तो वो गार्ड मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द करने वाला है। और कॉन्स्टेंटली मेरे यहाँ पे ना छाती में भी, इस जगह पे भी मेरे को दर्द था, क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ भी कोई गुम चोट होती ना, वो जब मैं गिरा था तो मेरे को यहाँ भी लगी थी, या तो मेरे को हैंडल लगा था, कुछ लगा था, तो यहाँ भी कॉन्स्टेंटली हल्का हल्का दर्द था जो थोड़ा सा ट्रबल कर रहा था, पर ज़्यादा नहीं। सो मूव वूव लगा के, कुछ ना कुछ पेन किलर थोड़ा खा के मैं चल रहा था। सो एनीवे हम पहुँच गए थे अपना चंबा, वहाँ पे हमने होटल ले लिया। ये कुछ वीडियोज़ हैं उस टाइम के जब वहाँ पे पहुँचे, तो हमारी बातचीत और होटल के बारे में जो भी है। After 620 kilometers of ride. That's not important. Important is how long. How long? Yes. In 12 hours, we did 620 kilometers. 8 to 8. 8 to 8. Yeah. We started the day. Yeah, almost. We, when the, all the puncture and everything was finished, it was almost 8. I have in my diary. Okay. Yeah. So when the last puncture you did, now when we put the tube and when we started, it was 8:30. Yeah. So from Delhi, like that was half an hour. So 8 o'clock we started. So 12 hours, 600 kilometers. So 620 kilometers, 12 hours. And out of which 120 is hills. Yeah. And this guy is on fast. You know, fast 620 kilometers, not eating anything, just two fruity. I think that's it. I had only three parathas. Come on, three parathas. Little bit butter, little bit. But I think you should definitely tell. So wherever we're going, people are asking where you're going. Yeah. So the only thing we are saying is we are going to Sach Pass. Yeah. And the expressions and the suggestions and what not we are getting, we can't explain to you. Yeah. I mean, there was a time when we had to tell them, Uncle, please, darao mat hume, darao mat. Nahin, beta, dara nahi raha, sach bata raha hu, sach bata raha hu. He was like, he went there some 6 years back. Yeah. He used to carry two Stephanies in Bolero, and he's... He used to take 8 hours for 60 kilometers, 8 hours for 60 kilometers, something that too in Bolero. And we were saying to them, you know, you are lying to them that we have all the puncture kit and everything, because they were saying that if you don't have any puncture kit or you can't put the puncture yourself, please don't even think about it. For like 80-90 kilometers there is not even a puncture shop there, and it's bad, and we were like, what to say, man? What to say? But anyway, it's a big day tomorrow, and that's what we had. So many punctures today. Seven. To be precise. Seven, and then we have to put the tube. So tomorrow might be the Almighty will be lucky, and we'll not have any puncture, and it will go smoothly. But yeah, today it's awesome, man. It's awesome. So we are in this famous heritage hotel in Chamba. It's called Ilavati. Ilavati. It's the oldest hotel. It's one of the oldest hotel, Ilavati. And we got a room here, you know, that's secret. We got a room in 1320s. The uncle said that, just tell them that only one guy stayed, only one guy is staying. It's like, okay, you know, yeah. तो फिर रात को हमने बस ऐसे ही गपियाए, थोड़ा सा बातें बातें करी पूरे दिन के बारे में, काफ़ी थक गए थे। और
बस ऐसे ही कुछ बातें बातें करी, कुछ फोटोज़ वोटोज़ देखी जो पूरे दिन की खींची, अगले दिन की प्लानिंग करी, अगले दिन हमें जाना है, टुमारो इज़ अ बिग डे, और हमने सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकलेंगे, और क्योंकि कल हमें सच पास क्रॉस करना था और हमें पांगी वैली एंटर करना था और हमें पहुंचना था आपका किलाड़, जो हम यहाँ से सोच के जा रहे थे, कुछ किल्लर बोलते हैं कुछ किलाड़, एग्जैक्टली आई थिंक किलाड़ इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन उस जगह का जो पांगी वैली में है, और आई डोंट नो, बाकी आप कमेंट में बता दीजिएगा। सो बस यही प्लान था, रोड हमें पता था ऊपर की काफ़ी ख़राब है, सो यही सोचे कि सुबह भैया बिग डे, एक्साइटेड थे, थोड़े थक भी गए थे, सो वी वेंट टू स्लीप दैट नाइट, और यस गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग, सो नेक्स्ट डे, ये है नेक्स्ट डे, अलग टाइप का व्लॉग चल रहा है ना ये, काफ़ी अलग टाइप का, आई डोंट नो कितना अच्छा लगेगा कितना बेकार लगेगा, पर इट्स जस्ट कि अभी घर पे हैं तो क्या करें, और पुरानी कुछ स्टोरीज है मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर दूँ, सो आई होप कि आपको अच्छी लगे, और एनी वे इट्स अ जर्नी। सो उसके बाद अगले दिन हम सुबह उठे, बिल्कुल मूड नहीं था सुबह उठने का, स्टिल मैं बहुत थके थे, नींद भी थोड़ी सी अच्छी थी, पर सुबह उठ के करीब हमारा प्लान था कि सुबह 5:30 बजे निकलना है, तो मुड़ तो गए थे पर थकान बहुत थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो थोड़ा देर और सो गए, और ये कुछ आप वीडियोज देखोगे हमारी हालत देख के आप बता सकते हो कि हमारा बिल्कुल बिल्कुल मूड नहीं था सुबह उठने का। पर एनीवे हम धीरे धीरे करके अपने उठे, तैयार व्यार हुए और फिर होटल से बाहर निकले, और फिर ही आपसे मिलता हूँ मैं, उसी टाइम का ये वीडियो है। मॉर्निंग, इट्स अराउंड 7 एंड वी आर क्वाइट लेट, वी वांटेड टू लीव अराउंड 5:30 बट नाउ इट्स 7:30 लेट, बट या होप फॉर द बेस्ट, टुडे इज अ बिग डे and we're going to Sach Pass and we don't have puncture kit and Vinny has tube tires today, not tubeless tires, but anyway if we don't have puncture kit or a pump, it doesn't matter which tires we have, you know, so it's like quite risky, but hope for the best. And yeah, 1.5 hour late, number 2, 1.5 hour late, 1.5 hour late, yeah. The crucial day, yeah. Let's see how far we go, yeah. This will decide the big, how others 4 days goes, basically. Yeah, the big factor is we don't have a puncture kit. Yeah, so I just checked the tires in the morning, everything looked good. Yeah. Hopefully next morning if I see the tires, everything stays good. Okay, so over and out, we'll meet you at Sach then. Sach. Okay, bye-bye. सो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि भैया पंचर तो बहुत लगे थे, 7 के करीब लगे थे उस दिन, पर रात भर हवा नहीं निकली तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, पंचर किट हम नहीं लेकर आए थे, आई नो स्टुपिडिटी है उस टाइम पे यार, 6-7 साल पहले हम भी सीख रहे थे नई नई चीज़ें, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ वीडियोज़ नहीं थे और खुद ही कर रहे थे ट्राई व्राई, अभी तो मैं क्या थोड़ा हेल्प करके आपको बता देता हूँ, पर एनीवे हम निकल पड़े वहाँ से, सुबह करीबन 7:30-8 बजे वहाँ से निकले थे अमीरावती से। सो होटल की डिटेल्स ये हैं, आप चंबा में अभी भी होटल है, काफ़ी पुराना होटल है, इट्स अ गुड होटल, और या सो वहाँ से हम निकले चंबा से, और हम पहुँच रास्ता लिया हमने बैरागढ़ होते हुए, और बैरागढ़ से हम जाएंगे सच पास, और सतरुंडी जो पोस्ट है उसे क्रॉस करते हम जाएंगे सच पास, और सच पास से नीचे उतरते हुए पांगी वैली में क्रॉस करते हुए हम जाएंगे किलाड़, ये हमारा प्लान था। सो जब हम निकले सच पास की तरफ तो अमेजिंग रास्ते थे, ब्यूटीफुल रास्ते अच्छे होते चले गए, व्यूज़ अच्छे होते चले गए रास्ते, इन सेंस की रोड काफ़ी हद तक अच्छी थी, और इवन बैरागढ़ तक अच्छी थी, सतरुंडी तक पोस्ट से भी थोड़ी पहले तक ठीक है, और उसके बाद फिर रोड ख़राब है जैसे कि आप अभी वीडियोज़ में देखोगे। तो हम वहाँ से निकल पड़े और रास्ते में व्यूज़ अच्छे हो गए, कहीं कहीं रुक के हमने फोटोज़ वीडियोज़ करी, कुछ मस्ती करी।
10 more to go. Look the weather, man. Look at the weather. We're just 10 kilometers away. We are 10 kilometers away from Sach Pass. And we just crossed the checkpost of Satrundi. And here is Vinny. And in the glasses is me. And we are like the road. Vinny, anything about road? It's not that bad. I mean, like the way people were saying it'll really bad. I mean, you see the condition. Yeah. I mean, you can't go beyond 30 or 25. But yeah, there are a lot of big stones. But some patches they have those big stones. Man. That is fucked up. But anyway, look at the weather, man. Check out it. Wow. Business already. And okay, before the trucks goes, I pack up. Roger, over and out. फिर जो क्लाइम थी वो अमेजिंग थी. वहाँ से जब हम ऊपर चढ़ने लगे, जब पेड़ वेड़ कम होने लगे, एल्टीट्यूड बढ़ने लगा और थोड़ा बैरन होने लगा, सो बादल थे चारों तरफ, वॉज अमेजिंग व्यूज. ठीक है, हमें दूर दूर की पीक्स नहीं दिख रही थी, पर वो बादल ने ना एक बड़ा एक अमेजिंग एक माहौल बना दिया था वहाँ पे. और ऐसा भी लग रहा था हमें बारिश हो जाएगी, सो थोड़ी तैयारी तो थी बारिश के लेके, पर ना हो तो अच्छा है वाली बात थी. बाकी कॉन्स्टेंटली मेरे जो यहाँ चेस्ट में जो ये दर्द था, जब मैं गड्ढे लग रहे थे और पत्थर से उछल रहा था, जब रोड बहुत ख़राब थी, तो मेरे को यहाँ कॉन्स्टेंटली जब मैं ऐसे से हिल रहा था तो यहाँ पे दर्द हो रहा था, जो मेरे को इरीटेट कर रहा था. और मेरे को लग रहा था, बस उम्मीद थी कि यार ये धीरे धीरे चला जाए, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो सिर्फ सच पास का नहीं था. यस, हमारा प्लान सिर्फ सच पास का नहीं था. हमारा प्लान था सच पास से हम जाएंगे टांडी से, और आगे रोहतांग से पहले क्रॉस होते हुए स्पीति घुस जाएंगे चंद्रताल होते हुए. तो हमारा प्लान वो भी था. तो मेरे कॉन्स्टेंटली ये चल रहा था चेस्ट में कि यार ये दर्द हो रहा है और पता नहीं अभी ठीक कैसे होगा और जब भी होगा. पर मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था पूरी, और बहुत हद तक इग्नोर कर भी पा रहा था, क्योंकि व्यूज इतने बढ़िया थे गाइस. व्यूज वर अमेजिंग जब आप क्लाइंब कर. बीच में कहीं कहीं दिक्कतें भी आईं बाइक की, थोड़ा सा सांस लेने, मतलब कि बाइक का जो एल्टीट्यूड काफ़ी हाई पे चले गए थे हम, और आपका सामान भी काफ़ी लोडेड था बाइक पे. उस टाइम पे मेरे पास ZMR थी, उसके पास पल्सर थी, मतलब वर्सेस जैसे नहीं थी जिसमें पावर बहुत है, पर स्टिल ZMR वॉज परफॉर्मिंग गुड, पल्सर वॉज परफॉर्मिंग गुड. और बस एक आधी जगह ऐसा हुआ कि जहाँ हल्का सा पुश करना पड़ा, जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा पल्सर को पुश करना पड़ा.
उसके बाद वैसे सब कुछ ओके था और बारिश भी नहीं हुई और हम पहुंच गए सच पास के टॉप पे। यस, फाइनली हम 2014 में सच पास के टॉप पे पहुंच गए। ये मेरा पहली बार था, उसके बाद मैं दो बार और गया सच पास। सो वाज अमेजिंग फीलिंग, वाज लाइक सच पास अपने में ना एक खतरनाक है, मतलब कुछ है उस सच पास में। एल्टीट्यूड मेरे को पता है ऐसे भी ऊंचे ऊंचे पास है, पर जब आप उसको चढ़ोगे और वहां पहुंचोगे ना तो सच पास में वो दम है कि आपको फील करा दे कि भाई कुछ तो खतरनाक जगह आप जा रहे हो और पहुंचे हो। Yo, so finally, such pass. So we are on such pass. Okay, okay.